KHZ Chemical Emporium, formulation experts. Locally formulated shampoo base available at best price. Alpha Olefin Sulfonate Shampoo Base Sales, KXN Chemical Emporium. हमारे YouTube चैनल Alchemist को लाजमी सब्सक्राइब करें. सजाद अहमद, B12, शाह फैसल चौन, खोसा गोट, मलेर कराची. कॉल 0300 4542034. मॉस्किटो रिपेलेंट की वीडियो हमने बनानी थी कि मॉस्किटो रिपेलेंट बनता कैसे है. उसका तो इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बाद प्रैक्टिकल पार्ट उसका आ जाएगा. अभी हम जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. मॉस्किटो रिपेलेंट में जो मेन इंग्रेडिएंट में मेन चीज़ है उसको डीट कहा जाता है. ये एक इसका कन्वेंशनल नेम मशहूर है. बाकी इसका IUPAC नेम जो है, केमिकल नेम, वो N-N-diethyl-metatolamide है. और ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका मॉस्किटो रिपेलेंट का. और अगर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल अपेयरेंस और इसके ओरिजिन वगैरह को डिस्कस किया जाए तो इट इज़ स्लाइटली येलो ऑयल एंड टेंड टू बी अप्लाई टू द स्किन और क्लॉथिंग एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड मैनी बाइटिंग इंसेक्ट्स. बहुत से जो काटने वाले जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो इससे रिपेल होंगे. और ये सबसे पहले 1944 में एक US के एक साइंटिस्ट हैं, सैमुअल गैटलर, उन्होंने इसको डेवलप किया था. और वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में थे. और ये बेसिकली इस्तेमाल हुई थी जंगल वॉरफेयर में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, के जंगल के अंदर जैसे मच्छर होते हैं, और US आर्मी के लिए ये वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल हुई थी. केमिकल फार्मूला इसका C12H17NO. मॉलिक्यूलर मास इसका 191.27 ग्राम पर मोल और डेंसिटी 0.998 ग्राम पर मोल. और बॉइलिंग पॉइंट इसका 288 टू 290 डिग्री सी जो है उस पर ये बॉयल आउट हो जाता है. नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो स्ट्रेटोनीला ऑयल है. और उसका केमिकल नेम 3,7-dimethyl octal 6-EN-1AL ऑक्टेनॉल इसको कहेंगे. वैसे एल्डिहाइड का ये डेरिवेटिव है, C10H18O. तो वो वाले केमिकल जिनके आखिर में AL आए तो बेसिकली वो एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. और जिनके आखिर में ON नहीं आए तो वो कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं. स्ट्रेटोनीला ऑयल इज़ एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिम्पोफोगोन, जो लेमन ग्रास की एक स्पीशी है. उसके मुख्तलिफ जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है. स्ट्रेटोनीला ऑयल जो है वो एक प्लांट बेस्ड इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे मशहूर है. और द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कंसिडर ऑयल ऑफ द स्ट्रेटोनीला एज बायो पेस्टिसाइड विद अ नॉन टॉक्सिक मोड ऑफ एक्शन. कि इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं ये नॉन टॉक्सिक है, इस्तेमाल किया जा सकता है. और फिर इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है. और इसके जो रिप्रकर्शंस हैं वो डायरेक्ट इस्तेमाल में कुछ लोगों का जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो सकता है. और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये इसकी जैसे फिज़िकल अपीयरेंस जो इसकी शो हो रही है कि पेल येलो कलर में ये ऑयल पाया जाता है. अब स्ट्रेटोनीला ऑयल के बारे में कुछ अब हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इसके बारे में क्या अप्रोचेज़ हैं. तो हेल्थ कनाडा बैंड द ऑयल यूज एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट इन 2012, बट लेटर लिफ्टेड द बैन इन फरवरी 2015. तो पहले इसमें उनकी कुछ स्टडीज़ ऐसी थी जिसमें इनको ये कुछ नामनासिब लग रहा था, उस पर बैन ये उन्होंने कर दिया था, और फिर बाद में इसको उन्होंने अलाउ कर दिया. और ऐसे ही जो स्ट्रेटोनीला ऑयल है
इज़ पॉपुलर एज नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट, जैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं और इसको वेरीफाई किया गया कि इसकी रिपेलेंट क्वालिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग इफेक्टिवनेस इन रिपेलिंग दी डेंगी वायरस। जैसे आजकल डेंगी जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और ये वीडियो इस वक्त बनाने का मकसद भी ये था कि फॉर्मुलेशन भी दे दी जाए और जो लोग इस को इस मौके से लोगों को फ़ायदा देना चाहें कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए पड़े हैं, तो उन तक इस फॉर्मुलेशन को कॉमनली लोग इसको तैयार कर लें। और ये एक चीज़ हम आपको क्लियर कर लें कि जो आगे हमारी ये प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन आ रही है इसमें बहरहाल ये थोड़ी सी कॉस्टली ये एक फॉर्मुलेशन होगी, और इस वक्त एक लीडिंग ब्रांड जो के इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट में है ये एग्जैक्ट उसकी है, हमें नाम उसका यहाँ मेंशन करना मुनासिब नहीं लग रहा, तो बिल्कुल उसकी फॉर्मुलेशन और महंगी फॉर्मुलेशन होगी लेकिन वेरी मच इफेक्टिव। और अब इस टू बी कंटिन्यूली इफेक्टिव मोस्ट सर्टेनली रिपेलेंट फार्मूलाज नीड टू बी रीअप्लाइड टू स्किन एवरी 30 to 60 minutes। तो अगर जिन फार्मूलेशन में अकेले हम इस्तेमाल करेंगे सर्टेनिला आयल, तो उसके लिए तो ये 30 to 60 minutes के बाद रीअप्लाई करना होगा, लेकिन जो फार्मूलेशन हम दे रहे हैं ये इंशाल्लाह 12 to 16 घंटे तक ये बिल्कुल अफेक्टिव रहेगी। और उसमें चूँकि हम इसमें डिस्कस जो कर रहे हैं डीट को भी हमने डिस्कस किया और सर्टेनिला को हम डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट भी एक इंग्रेडिएंट इसमें डिस्कस होगा, तो वेरी इफेक्टिव फॉर्मुलेशन इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन में हम इसको बता भी देंगे। और रिसर्च आल्सो इंडिकेट्स दैट सर्टेनिला आयल इज़ एन इफेक्टिव रिपेलेंट फॉर बॉडी लाइस, इवन बॉडी लाइस, हेड लाइस और स्टेबल फ्लाइज, इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके कोई भी ऐसे हेल्थ रिस्क वगैरह अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, इवन के कुछ जो सेंसिटिव स्किन के लोग हैं उनको भी और बच्चों को भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नेक्स्ट लेमन ग्रास ऑयल जो है वो भी इस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होगा, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर है और इसको कन्फ्यूजन को भी समझा जाए कि बेसिकली सर्टेनिला भी जो है किसी लेमन ग्रास की किसी स्पीशी से एक्सट्रैक्ट होता है और लेमन ग्रास ऑयल भी उसी से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन इसकी एक्सट्रैक्शन में जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होने की वजह से जैसे इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी सेम्पोपोगन सिट्रटस जो है उससे ये हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो के अगेंस्ट बहुत अफेक्टिव है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C51H84O5 है और IUPAC नेम इस काफ़ी एक मैसिंग और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, ये हमने इसमें बहरहाल दे दिया, जो इसको कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनकी रेफरेंस के लिए हमने इसमें बहरहाल लिख दिया। और एरियल पार्ट्स ऑफ लेमन ग्रास जो है उससे ये एक्सट्रैक्ट होता है, और इसके अंदर दो चीज़ें जो हम अभी स्लाइड में शो भी हो रही हैं, एक अल्फा सिट्राल और दूसरा इसका बीटा सिट्राल, ये दो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं लेमन ग्रास ऑयल के, और इन ही का जो है दोनों अल्फा सिट्राल और बीटा सिट्राल ये बेसिकली नॉन एज दी रिपेलेंट्स मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे इनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सर्टेनिला ऑयल हो, लेमन ग्रास ऑयल हो या डीट, ये बेसिकली मॉस्किटो पे अफेक्ट कैसे करेगा, तो इसकी इनके अफेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक डिस्टेंस से है और एक अपॉन कॉन्टैक्ट है। जैसे लेफ्ट साइड की स्क्रीन में हम शो कर रहे हैं, इट्स अफेक्ट ऑडोरेंट ओलिफैक्ट्री रिसेप्टर्स और दूसरा है कीमो रिसेप्टर्स, इसको आगे हम डायग्राम में भी शो कर लेंगे। और इसमें जैसे लेफ़्ट साइड की स्क्रीन शो कर रही है कि ये डिस्टेंस से ही कुदरत ने ये मॉस्किटो के अंदर ये वाले रिसेप्टर्स रखे हैं कि वो डिस्टेंस से ही महसूस कर लेता है कि कोई
अनफेवरेबल चीज़ है, मुझे इसके नज़दीक नहीं जाना। तो यही बेसिकली ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं इंसानी जिस्म की, जो उनको मच्छरों को खुशबू आती है उससे वो अट्रैक्ट होकर इंसानी जिस्म पे आते हैं। तो अगर इंसान ने अपनी स्किन पे कोई ऐसा ऑयल लगाया हुआ है, कोई ऐसा केमिकल लगाया हुआ है, कोई ऐसा जेल लगाया हुआ है जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट है, तो ये वो डिस्टेंस से ही उसको सेंस कर लेगा। इन इंसेक्ट्स ऑलिफैक्ट्री रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन दी एंटेना एंड अदर केमोसेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह स्लाइड के अंदर वो तस्वीर भी आ रही है जिसमें हम एंटेना शो करें, एंटेना के अंदर ये वाले जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ऑलिफैक्ट्री रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स एंड आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ दी ऑडरेंट्स। ये बेसिकली हम इतनी ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। न्यूरॉन्स का एक जिस्म के अंदर एक आप यूँ समझ लेंगे कि एक सर्किट है बिजली की तारों की तरह, तो उसमें सिग्नल पास ऑन होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स की फॉर्म में ये डिटेक्शन इसकी होती है, जो कि स्मेल को जो है वो सेंस कर लेते हैं। एक्टिवेटेड ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स ट्रिगर नर्व इम्पल्सेस, जो जैसे हमने अभी वो न्यूरॉन्स का कहा, तो वो इम्पल्स एक जनरेट होगी और उससे सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन को जाएंगे और मच्छर उससे जो है वो रिपेल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट केमो रिसेप्टर्स, केमो सेंसर भी इनको कहा जाता है, ये भी स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स हैं विच ट्रांसड्यूसेस अ केमिकल सब्सटेंस टू जनरेट द बायोलॉजिकल सिग्नल। ये भी बायोलॉजिकल सिग्नल एक जनरेट करते हैं जिससे मॉस्किटो को ये एहसास हो जाता है कि मुझे इस स्किन के ऊपर नहीं बैठना। जी ये अब हमारी दो छोटी स्लाइड्स हैं, इतनी डिटेल में अब हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ये देखा जा सकता है ये एंटीना है, एंटीना के अंदर मैक्सिलरी पैल्ब्स और बाकी इतनी ज़्यादा मैं डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलफैक्ट्री सेंसिलियम और ये ऑडरेंट के मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं इनको, और जो सेंस करेगा ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन्स और वो उसको कैसे आगे ट्रांसमिट करेगा। ऐसे ही लास्ट स्क्रीन के अंदर स्लाइड के अंदर हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि मच्छर के जो ऐसे नोज़ के ऊपर, मुंह के ऊपर जो बाल नमा कुछ लगी होती है वो इसका एंटेना कहलाता है, उसके अंदर ये सेंसर्स पाए जाते हैं और वो बेसिकली उसको सेंस करते हैं। जितना भी ऑडरेंट, जितनी भी खुशबू उसको मिल रही होती है वो हमें ये इस स्लाइड में दिखाया जा सकता है कि अगर हमने ऐसा कोई केमिकल अप्लाई उसमें हाथ में किया हुआ हो, तो एक आम हाथ है जिसके ऊपर ह्यूमन ऑर्डर है और एक के ऊपर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केमिकल लगा देते हैं तो वो उससे इसको एहसास हो जाता है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना। तो जैसे हमें ये नज़र आ रहा है एंटीना के अंदर ये पिंक कलर की एक इम्पल्स शो की जा रही है कि इससे उसने कोई ये सेंस किया कि यहाँ कोई ऐसा अनफेवरेबल कोई केमिकल है जो मॉस्किटो के लिए को हार्म कर सकता है, तो उससे वो रिपेल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन थी कि कैसे मॉस्किटो के जो के अंदर मोड अफेक्शन होगा मॉस्किटो रिपेलेंट का। तो नो प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। जी आज की जो हमारी फॉर्मुलेशन है जैसे डिटेल आपके सामने आ चुकी है मॉस्किटो रिपेलेंट की, मार्केट में मुख्तलिफ नाम से मिलते हैं, किसी एक ब्रांड नेम को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा बेस केमिकल है इसके अंदर एक ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं कि कौन कौन सी बेस ऑयल इस्तेमाल हो सकते हैं। हम जो जिसमें मेरी अप्रोच जो है जिसको मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ वो वाइट ऑयल है, कि वाइट ऑयल फेस सेपरेशन में नहीं होगी इसमें और चीज़ें मिक्स भी रहेंगी और जो रॉ मटेरियल हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो भी प्रोलॉन्ग होगी। इस इवन सिलिकॉन ऑयल ये सारे इस्तेमाल इसमें हो सकते हैं, लेकिन हम जी वाइट ऑयल इसमें 75 ml 75 ग्राम अब हम लेंगे, 75 ग्राम वेट करके हमने रखा हुआ है ये। उसके
DEET डाईथाइल मिथाइल बेंजामाइड, डिटेल आपके सामने आ चुकी हुई है, इसकी इसके फंक्शन वगैरह को आप देख चुके हैं। अच्छा, ये हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो 10%। अब हमने 60% PG मिला लिया और 10% DEET इसमें मिलाएंगे। और ये जो 10% की हमारी इस फॉर्मूलेशन में ये बन रहा है ओनली 12 ml, 12 मिलीलीटर, 12 cc। तो ये हम एक इस वक्त में छोटी फॉर्मूलेशन बना रहे हैं और एक डेमोंस्ट्रेशन आप लोगों को दिखानी थी, तो इसको हम एक सिरिंज की मदद से, ये 10 cc का एक सिरिंज है और उसकी मदद से हम इसमें इसको ऐड अप कर लेंगे। और ये जस्ट फॉर्मूलेशन बड़ी सिंपल है और सिंपल मिक्सिंग है, ये सिंपल मिक्सिंग। और बड़ा बेच अगर बनाना है तो अकॉर्डिंगली लाजिम बात है कि इनको अगर कमर्शियल लेवल पे करना है तो फिर लाजिम बात है कि सिरिंज वगैरह से तो नहीं होगा, फिर तो अकॉर्डिंगली आपको बड़ी अपनी फॉर्मूलेशन के लिए इसकी ग्रामेज लेनी पड़ेगी। और ये तकरीबन हमारा 8 cc, और इसको सिंपल हमने इसमें ऐड कर लिया, 4 cc और मिला लेते हैं। और क्वांटिटीज़ अगर हम अपनी, चूँकि एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं और उसमें अगर हम अप्रॉक्सीमेट भी कर लें, लेकिन चूँकि क्वांटिटीज़ यही हैं जो हमने आपको दिखाई बता रहे हैं, ये इसमें ऐड किया, ये 3 cc, और ये 4 cc, ये 12 ml ये हमने ऐड किया। और नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है इसमें, और जैसे हम अपनी डेमोंस्ट्रेशन में भी पहले भी बता चुके हैं, हम लेमन ग्रास ऑयल यूज़ करेंगे। इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिकेसी और इसका फंक्शन इस मॉस्किटो रिपेलेंट में वो आप डेमोंस्ट्रेशन में देख ही चुके हैं। ये भी इक्वल क्वांटिटी है और ये भी 12 cc, ये भी ऐड करना है इसमें, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है सिट्रोनेला ऑयल, ये 12 cc, ये भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। और उसके बाद ये इट्स सिंपल मिक्सिंग, किसी ग्लास रॉड से भी की जा सकती है जी, इनकी बस सिंपल मिक्सिंग हमने कर। और अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारा रेडी, और इसमें इंशाल्लाह फेस सेपरेशन भी नहीं होगी। और इसको जैसे आजकल पाकिस्तान में सैलाब पूरे तकरीबन मुल्क में है और उससे मच्छर वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, तो इसको ये फॉर्मूलेशन इस वक्त देने का मकसद ये था कि बहुत से दोस्त इनबॉक्स में आए, उन्होंने कहा कि एक वेलफेयर के तौर पे एक सिंपल फॉर्मूलेशन जो कि इन इलाकों में तैयार करके प्रोडक्ट दिया जाए, जो लोग इस कारहेर में हिस्सा लेना चाहें वो ये छोटी सी फॉर्मूलेशन बना के अपने तौर पे इन इलाकों में छोटी बॉटल्स में, छोटे ड्रॉपर्स में आराम से किसी भी ऐसी मार्केट में जिसमें बॉटल्स अवेलेबल हैं तो इसको प्रमोट किया जा सकता है। ये 100% बिल्कुल इस वक्त इसकी खुशबू और स्मेल बिल्कुल वही है जो कमर्शियली अवेलेबल मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और आइडिया के साथ हाजिर खिदमत होंगे। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियत तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।